जगत गुरु राम भद्राचार्य एक ऐसी असाधारण शख्सियत हैं जो नेत्रहीन होने के बावजूद जिन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है, जो 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। धर्म कार्य के अलावा अपने दम पर विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। स्वामी राम भद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गाँव में हुआ था। इनका असली नाम गिरधर मिश्र है। स्वामी राम भद्राचार्य ने 2 महीने की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, लेकिन इन पर ईश्वर की अपार कृपा थी। तभी तो 3 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता की रचना अवधि भाषा में की। 5 वर्ष की उम्र में सिर्फ सुन सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भगवद गीता कंठस्थ कर ली। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने ही न्यायालय में राम जन्मभूमि के शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।